जय गो माता, जय गोपाल। पशुपालक और जितने भी गाय पे काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि सीमन प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत आती है। पर एक युवा ने, रामजस जी ने, भीलवाड़ा के पास में, आसिंद के पास में इनका गांव है, और यहाँ पर सीमन का एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। एक महीने में 10,000 से ज़्यादा सीमन की डोज यहाँ पर जाती है। इनके आसपास के एरिया के अंदर इन्होंने गिर और बाकी जो बफेलो है, बाकी सब में बहुत अच्छे नस्ल तैयार की है। कौन कौन से सीमन अच्छे हैं, कौन से गिर नस्ल के अच्छे सीमन हैं, कौन से थारपारकर में अच्छे हैं, किसके रिजल्ट बफेलो में अच्छे हैं, बफेलो के सीमन की, वो सारी बातें हम करते हैं। मिलते हैं रामजस जी से, वो कैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, वो महीने की अच्छी आय कैसे कर रहे हैं। मिलते हैं, कैसे हैं रामजस जी? नमस्कार सर। सब एक बढ़िया? ठीक है, पंखा बंद करते, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा जाएगी। और माइक होगा ना उसके लिए। हाँ, नहीं कोई दिक्कत। रामजस जी, कितने कंटेनर है ये? सर ये तो गैस के काम के हैं, अच्छा, गैस भरी है। ठीक सीमन है। का अच्छा, यह है। और ये बाकी इस सब किराया जो निकल हाँ ये किराया के तो लिए। मतलब गैस जो इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना डॉक्टरों को, वो उसके लिए है। सीमन भी रख सकते और हैं ना हाँ मतलब? नहीं, इनमें नहीं रख सकते, ये तो केवल गैस के लिए ही अच्छा, है। केवल गैस के लिए। ये ऐसे जंबो आते हैं, एक जंबो गाड़ी में पड़ा है, दो जंबो और छोटे मोटे उसमें पड़े हैं, और एक ये घर पे स्टॉक के लिए है। और सबसे पहले तो आप यहाँ पे पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपके जितने भी चैनल देखने वाले व्यूवर भाई हैं, उनसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि भरत भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गायों के ऊपर। तो हम भारतीय हैं तो हमारी संस्कृति में भी गाय हैं, तो आप सभी भाई इनके चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद भाई। ये बड़ा कंटेनर है, कितने सीमन आ जाते हैं इसमें? इसमें लगभग लगभग अगर अपन आराम से रखें तो 16-17 हज़ार डोज इसमें आ जाते सोलह हैं। सत्रह हजार हाँ डोज इसमें आ जाते हैं। हाँ एक बार खोल सकते हैं इसको? इस हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं सर, कोई कैसा दिक्कत रहेगा नहीं। पूरे गैस? ये है लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड और इसके नाइट्रोजन अंदर पूरे सीमन डोज अलग इसमें, अलग हाँ है, जो सब अलग अलग स्टोर होंगे, उन्हें हाँ स्टोर बिल्कुल, किए हुए इसमें सारे। अलग अलग जैसे स्टोर स्टोरेज करते हैं अपन, ज़्यादा स्टोरेज हम के बाहर लिए, निकलवाएंगे सप्लाई नहीं, के लिए उससे क्या है दूसरा। कि मोटिलिटी डाउन होती है, हाँ थोड़ा काम पड़े तभी बाहर निकाले। अभी अपने पास जो सीमन है वो एबीसी सीमन बैंक वेरावली, राजीव सरपंच साहब हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हिसार स्पम बायोटेक, जो भी भाई देखने वाले हैं सब जानते हैं, सुरेंद्र सनसनीवाल जी का सीमन बैंक है, और ये जो है काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो HSB और ABC दोनों के सीमन है। नेक्स्ट 10 डेज आगे आने वाले जो सीमन है, ABS इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड शायर और SAG के सीमन भी अपने पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ तक सप्लाई और करते हैं आप? मैं जैसे सेंटर जो अपने पास पास में जैसे भी जो नॉर्मल LSA हैं उनको यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं, और जैसे ऑल ओवर राजस्थान में किसी को भी टॉप क्वालिटी का सीमन चाहिए तो मेरे पास कम से कम MB के 100 बुल और गिर के 100 बुलों के सीमन हैं। गिर में और कौन कौन से हाँ रिजल्ट अच्छे हैं जो एरिया में आप देखते हैं? हाँ गिर में तो जी अपन ने जो लगवाए थे वो कामधेनु गौशाला भावनगर, जहाँ पे जो क्षतिग्रस्त गाय होती है उनका इलाज होता है, अपन ने उसी को सोच के उनके सीमन लाए थे कि कम से कम जो भी पैसा आएगा अच्छे काम में जाएगा। तो उनके 3 बुलों के सीमन लाए थे, अभी रिजल्ट आने वाले हैं। पिछले साल ही गिर का हमने लार्ज स्केल पे स्टार्ट किया था। तो आपके हिसाब से कौन सा बुल ज्यादा सक्सेसफुल है गिर में? भाई जी गिर में तो अब देखो बच्चे तो सभी बुलों के अच्छे आ रहे हैं, आगे दूध का क्या है। हाँ, वो अभी जैसे मुझे भरत आने वाला है। झालावाड़िया जी के मोहन बुल का हमने यूज किया, के कामधेनु गौशाला भावनगर का यूज किया, उनके कौन कौन से और बुल के कामधेनु गौशाला के? पवन अर्जुन दोनों की डेथ हो गई, नंद और सुबोध, और उनके भविष्य में भी ये बुल मिलते रहेंगे, नंद और सुबोध। और हो सकता है हम आगे जो कृष्णा गिर गौशाला मांडवा पे जो राज बुल है काबरा, उसका सीमन भी लेके आएंगे। और जो भी जितने भी अच्छे अच्छे बुल हैं अब जाएंगे, सोचेंगे थोड़ा जो बड़े ब्रीडर भाई हैं उनसे नॉलेज लेके फिर गिर का भी काफी सारा स्टॉक आएगा। बिल्कुल, तो एरिया में गिर का भी एक अच्छा हो जाएगा। हाँ गिर का और भी अच्छा बफेलो होगा में सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? भाई जी। सबसे अच्छा तो ऐसा है कि जो मैं मानता हूँ और मेरी थ्योरी है, उसमें टॉप सबसे टॉप अर्जुन कुंगड़ है, ये कहाँ का जिसका है? रिजल्ट बहुत ही शानदार है। पवन भाई सियाग मुर्रा फार्म से, उनका बुल है। अच्छा, उनका ये वो काफी अच्छा है। पुराना बुल है अर्जुन कुंगड़। उसके अलावा जैसे बजरंगी उसके लजवाणा, अनमोल क्या, रतन, इनका क्या दूध आता है उसका? 2012 उसकी माँ का दूध 2012 में भी 24 किलो रिकॉर्ड था। में तो अच्छे, जो मूरा में भी आपको मेरे आपके। फार्म पे भी उनके बच्चे हैं सभी बुलों के, जैसे जो बुलों का मैं उपयोग कर रहा हूँ ना उनमें लगभग लगभग जितने भी प्रीमियम क्वालिटी के बुल हैं उनके भी हैं। और जैसे काफी भाई SAG वगैरह भी काम कर रही है, देखो काफी काम किया है। पर अपन ने जैसे ये HSB का थानेदार हो गया, अब इसका सीमन अपन डॉक्टर भाइयों तक 4500 रुपये में पहुंचा देते हैं, और इसका डेम का जो लैक्टेशन यील्ड है वो देख सकते हैं 4500, इसकी 22 किलो इसकी माँ का दूध है। और
इसकी सारी डिटेल वगैरह है। बिल्कुल, तो मतलब ऐसा सीमन अगर नॉर्मल घरों में लगेगा ना तो नस्ल सुधार अच्छा हो जाएगा। सीमन तो वैसे ही चले आ रहे हैं, काफी बेचते थे, काफी लोगों ने बेच दिया और चलता है, लगता ही आ रहा है, पर एक अलग से जो नस्ल सुधार होना उसकी बात ही अलग है। अच्छा, मेरा जो मेन उद्देश्य रहा है, जैसे एक तो आपका भाव बहुत अच्छा है इसलिए इंटरव्यू लेना था, दूसरा मेरा मेन उद्देश्य था कि कोई भी आदमी अपने जिले के अंदर सीमन का काम करके कितनी आय महीने की इजीली कर सकता है। जो नए भाई हैं जैसे डॉक्टर एलएस है, कोई डॉक्टर भी है, कोई एलएस है जो ये काम करते हैं सीमन रखने का पशुओं को, वो कम से कम 30 से 35-40 हज़ार रुपये आराम से कमाते हैं, और जो टॉप क्वालिटी के वो 1 से 1.5 लाख रुपये भी कमा रहे हैं, जिनको मैंने देखा है। हाँ, तो मतलब आप अगर सीमन का काम भी करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक आदमी शुरू करता है काम? तो सीमन का अगर अपन काम करना चाहे तो ये तो एक ऐसा समंदर है जिसमें अपन उतर गए तो मिनिमम, मतलब मिनिमम इसकी गहरा ही नहीं जान सकते अभी, मतलब मिनिमम 15 लाख रुपए के आसपास। जैसे ये कंटेनर में कितना माल भरा है? इसमें अपन 16,000 डोज को देख लो ना, नॉर्मल भी रखेंगे 45 वाला तो 16,000 को उससे इंटू कर लो, तो और इसमें जैसे 7-8 लाख का सामान। हाँ, और प्रीमियम भी होते हैं इसमें, जैसे 300 रुपए की परचेज वाले सीमन भी होते हैं, तो वो 100 अगर उनको 16,000 जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सीमन कौन, ये कंटेनर कौन सी कंपनी का है? ये तो क्रायोजेम का है। क्रायोजेम है ना, इसमें काफी कंपनियां हैं जो बनाती है, इंडियन ऑयल, क्रायोजेम, आइनॉक्स। ये नासिक की है, इसके नंबर ये, हाँ, नासिक की, ये भी अच्छा है और इंडियन ऑयल का, दोनों ही बहुत अच्छा है। इंडियन ऑयल का, हाँ, ये इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल भी बना दिया ना। हाँ, ये भी बना, तो ये आप दोनों में से किसी का भी काम ले सकते हो। सबसे बड़ी बात मैं सभी भाइयों को कहना चाहूंगा, आप सीमन सब यूज करते हैं पर आपको किसी को ये पता नहीं है कि ये ओरिजिनल सीमन है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है। मेरे जैसे इतने सप्लायर हमारे जिले में बहुत बड़े सप्लायर हैं जो मंथली 1 लाख डोज बेचते हैं, जिसमें से 60,000 डोज डुप्लीकेट ही बिकती है। इसलिए आप SAG भी ऊपर लिखा हुआ है, पता नहीं है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। कैसे बचे? अब इससे बचने के लिए आप जैसे किसी बुल वाले से बात करके, अगर जिसका बुल का सीमन है वो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लें, और डिस्ट्रीब्यूटर भी जब डुप्लीकेट सी करने लग जाएगा तो फिर किसान का तो भला। ये तो बड़ा विकट, ये नहीं कह रहे, बहुत खराब है एक्चुअली। उससे क्या होता है कि जनरेशन खराब हो जाती है, और ये डुप्लीकेट सीमन एक कैंसर जैसे है, ये ब्रीड को ही खत्म कर देगा आने वाले टाइम में पशुपालकों। कुछ लोगों के 10-20 रुपए के लोभ लालच के चक्कर में ये वैसे मतलब बिल्कुल ब्रीड को खत्म कर देगा, खत्म मतलब इंसान। आपके जितने भी व्यूअर भाई है, बताना चाहूंगा गिर में किसी को भी सीमन चाहिए, कोई भी टॉप से टॉप क्वालिटी का गिर HF मुर्रा, आप हमारे से संपर्क करें, हमारे WhatsApp पे आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है डालें, हम आप तक कांटेक्ट करके बिल्कुल आप तक सीमन पहुंचाएंगे, ओरिजिनल होगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। आने वाले टाइम में उसके बच्चे के DNA की भी हमारी पूरी गारंटी है। नहीं, रामजस भाई का काम बहुत अच्छा है, और ये मैं भी अश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भाव और काम देखता हूँ ना, तो मैं भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद भाई, बड़े सिंपल वे में बता दिया ये सब कंटेनर, इनमें गैस और बाकी सारी चीज़ें, सप्लाई वगैरह काम, और भाई ने तो गैस के, ये तो काम सब दुकानदारी वगैरह सारा काम छोड़ के इसमें आके और अच्छी आय भी कर रहे हो, घर पे समय भी दे पा रहे हैं, तो इसलिए पशुपालन से जुड़े अच्छी आय भी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे सीमन का प्रयोग करें। हाँ, क्योंकि अपन जब हाइब्रिड मक्का लगाते हैं और देसी मक्का लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल फर्क होता है, 5 बोरी से 5 क्विंटल से डायरेक्ट 10 क्विंटल तक की वो उसमें चेंज हो जाता है, सिर्फ बीज के आपको कितने 1,000 रुपये थैली के ज़्यादा लग रहे हैं। इसी तरह आप नॉर्मल सीमन लगवा रहे हैं, पूरी आपकी पीढ़ियाँ, हमारी पीढ़ियाँ भी लगाती है ये 200 रुपये का सीमन, उसको छोड़े 500 का यूज करें, 1,000 का यूज करें, आप 5,000 का भी यूज करेंगे गिर में तो आपको कोई 5,000 में बछड़ी देने वाला नहीं है, आपको टॉप बछड़ी आ जाएगी, तो आपके मतलब आने वाले टाइम में आपके घर पर कम से कम आप जब दुखी भी होंगे तो उसको बेच के अच्छी आय कमा सकते। जो यहाँ पे बता रहे ना कि अच्छे सीमन उपयोग करके कई हो कि बछड़िया 70,000 लाख 2 लाख तक भी गाय भी हाँ। है, अच्छा सीमन, अच्छा काम करोगे तो अच्छी आय भी होगी, अच्छी चीजें भी बिल्कुल। धन्यवाद भाई, और सबसे बड़ी बात गौ माता को कोई भी भाई दूध पी के ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब हर गाँव में ये समस्या, 100 गाय घूम रही है, तो वो कम से कम जो हमने कोरोना जैसी बीमारियां देखी है तो उनका ही शराब है भाई, यहाँ से ही लेना, यही से देना, यही पे भुगतना सब कुछ। हाँ, यही है सही बात। हाँ धन्यवाद, ठीक है, जय गो माता, जय गोपाल।